हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर एमडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ऑल एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, इनकी क्या क्लास होती है और ये कौन से बैक्टीरिया पे अपना वर्क करती हैं। और दोस्तों, एक इजी तरीका, एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी क्लास की मेडिसिन हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप मिस ना करें, स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की मेडिसिन कौन कौन सी होती है, ये अपना वर्क कौन से बैक्टीरिया पे करती हैं। दोस्तों फ्लोरोक्विनोलोन्स की क्लास की जो मेडिसिन है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे अपना वर्क करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिप्रोफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, पीफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, लोमेफ्लोक्सासिन, नेलिडिक्सिक एसिड और वालोफ्लोक्सासिन। दोस्तों, ये कुछ ये एंटीबायोटिक है फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की। दोस्तों, अब दोस्तों, इनकी पहचान कैसे करनी होती है, इनकी पहचान जो होती है, जैसे मैंने बोला था, सबसे पहले सिप्रोफ्लोक्सासिन, जिसकी साल्ट में लास्ट में ऑक्सासिन आगा, OXACIN, ऑक्सासिन, तो आपको याद रखना है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की मेडिसिन होंगी। दोस्तों, अब चलते हैं फिर आगे, अब बात कर लेते हैं टेट्रासाइक्लिन क्लास की मेडिसिन की। दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन क्लास की जो मेडिसिन है वो ग्राम पॉजिटिव पे और ग्राम नेगेटिव पे अपना वर्क करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन और डेमिक्लोसाइक्लिन। दोस्तों, ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन क्लास की ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। दोस्तों जो टेट्रासाइक्लिन क्लास के मेडिसिन के लास्ट में CYCLINE साइक्लिन आगा तो आप समझ जाना कि ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की मेडिसिन है। दोस्तों, तो दोस्तों अब चलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेफलोस्पोरिंस क्लास की मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं और ये कौन से बैक्टीरिया पर अपना वर्क करती हैं। दोस्तों सेफलोस्पोरिंस क्लास की जो मेडिसिन है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे अपना वर्क करती हैं। और जो मेडिसिन होती है, जिसकी फॉर एग्जांपल हमने लिया सेफालेक्सिन, सेफाड्रोक्सिल, सेफाजोलिन, सेफाक्लोर, सेफरोक्सिन, सेफोटेक्सिन, सेफ्टाजिडिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफोप्राजोन, सेफ्टिजोक्सिन, सेफिक्सिम, सेफ्टिब्यूटेर और सेफाडोक्सिन और सेफडिनिर। दोस्तों, इसकी क्या है, ये सेफलोस्पोरिंस क्लास की ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। दोस्तों आपको इनकी पहचान कैसे करनी है, पहचान करनी जैसे कि सबसे इसमें एक सिंगल साल्ट ऐसा जो है सेफालेक्सिन, इसमें आगा CEP सेफालेक्सिन, और बाकी में जितनी भी एंटीबायोटिक क्लास की मैंने जितनी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन बताई सब में आगा CEF, तो आप समझ जाना ये सेफलोस्पोरिंस क्लास की मेडिसिन है। दोस्तों अब चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पेंसिलिन क्लास की मेडिसिन कौन कौन सी होती है। दोस्तों, पेंसिलिन क्लास की मेडिसिन कौन कौन सी होती है और कौन से बैक्टीरिया पे अपना वर्क करती है। दोस्तों पेंसिलिन क्लास की मेडिसिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अपना वर्क करती हैं, और जो होती हैं वो इस प्रकार होती हैं दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पिप्रासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। और दोस्तों, ये एम्पिसिलिन क्लास की ये एंटीबायोटिक होती है। दोस्तों, इसकी पहचान किस तरह से करनी होती है, पहचान हमें दोस्तों करनी होती है जिनके लास्ट में CILLIN सिलिन आ जाए, तो आप समझ जाना ये एम्पिसिलिन क्लास की मेडिसिन होती है। दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन की, एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन की, यानी कि एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन कौन कौन से बैक्टीरिया पे अपना वर्क करती है। दोस्तों एमिनोग्लाइकोसाइड मेडिसिन जो वर्क करती है वो करती है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे अपना वर्क करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया एमिकासिन, जेंटामाइसिन, टोबरामाइसिन, नियोमाइसिन और सीसोमाइसिन। दोस्तों अब इसकी पहचान करने के लिए एक मैक्रोलाइड मेडिसिन और एक एमिनोग्लाइको मेडिसिन, दोनों की पहचान करने की सेम है, मगर मैं दोनों को मैं आपको अंतर बता दूंगा, वो भी मैक्रोलाइड में जाके आपको अंतर बताऊंगा कि आप इन दोनों क्लास की पहचान कैसे करोगे। दोस्तों
दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैक्रोलाइड्स मेडिसिन की, कौन कौन सी होती है, कौन से बैक्टीरिया पर अपना वर्क करती है। दोस्तों मैक्रोलाइड्स मेडिसिन जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर अपना वर्क करती हैं, और जो होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, स्पायरामाइसिन और कोलिस्टीन सल्फेट एंड पॉलीमिक्सिन बी। दोस्तों ये क्या होती हैं, ये मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। मैक्रोलाइड्स में और एमिनोग्लाइकोसाइड में दोनों में क्या है, दोनों के लास्ट में हमने क्या देखा, MYCIN, दोनों के लास्ट में हमने क्या देखा, माइसिन आया, MYCIN माइसिन। मगर अब पहचान करना है कि एमिनोग्लाइकोसाइड में ज़्यादातर इंजेक्शन है, जैसे एमिकासिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। दोस्तों ये जो है ज़्यादातर अधिकतर जो आती है वो इंजेक्शन के फॉर्म में आती है, मगर मैक्रोलाइड्स सिरप के, ड्रॉप के और टैबलेट के फॉर्म में ही आती हैं। दोस्तों बस इसमें थोड़ा सा आपको अंतर रखना है, एक दो टैबलेट का एक दो साल्टों में सिर्फ ये अंतर है दोस्तों, जो आपको याद रखना है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।